सो हे दे वेलकम बैक गाइस टू द चैनल एवरीवन। भारतीय टीम की होम सीरीज होने वाली है साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें वो 3 T20 मैचेस खेलने वाली है और 3 T20 मैच की सीरीज के लिए फाइनली स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है। तो फिर आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। शायद से यार भाई पूरे यूट्यूब चैनल पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पे सबसे पहली वीडियो मैं दे रहा हूं, क्योंकि यार भाई अभी सिर्फ 4 मिनट ही हुए हैं स्क्वाड अनाउंस हुए हुए। तो सबसे पहले यार भाई मेजर चेंजेस की बात कर ले तो हार्दिक पांड्या की वापसी हो चुकी है स्क्वाड में। यहां पर यार भाई कप्तान की बात करें तो कप्तान रहने वाले हैं विराट कोहली, उसके बाद आपको वाइस कप्तान रोहित शर्मा दिख जाएंगे। नंबर 3 पे शिखर धवन है, नंबर 4 पे केएल राहुल है, नंबर 5 पे श्रेयस अय्यर है, नंबर 6 पे मनीष पांडे है और साथ ही में नंबर 7 पर विकेट कीपर ऋषभ पंत है। यहां पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम निकलकर नहीं आया है और ये 7 बैट्समैन होने वाले हैं, ये 7 इंडियन बैट्समैन T20 सीरीज के लिए होने वाले हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत। इसके बाद यार भाई विकेट कीपिंग में आपके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, आप बैकअप विकेट कीपर नहीं ले जा रहे हो। इसके बाद बात करते हैं यार भाई ऑलराउंडर सेक्शन की, तो हार्दिक पंड्या, रविंद्र जाडेजा, क्रोनल पंड्या और वॉशिंगटन सुंदर, 4 ऑलराउंडर्स का नाम निकलकर आया है। यहां पर आपको हार्दिक पंड्या की वापसी बिल्कुल से देखने को मिल रही है। अब देखते हैं यार भाई T20 स्क्वाड में हार्दिक पंड्या क्या अपना बैलेंस डाल सकते हैं। इसके बाद रविंद्र जाडेजा है, क्रोनल पंड्या ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, वॉशिंगटन सुंदर ने भी अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंडिया के 4 बॉलर्स की, तो आप यहां पर राहुल चहर को ले जा रहे हो, जो स्पिनर है, जो मेन स्पिनर है वो राहुल चहर है। उसके बाद खलील अहमद है, दीपक चाहर है और नवदीप सैनी है। सो यहां पर यार भाई कोई भुवनेश्वर कुमार नहीं है, कोई मोहम्मद शमी नहीं है, कोई जसप्रीत बुमराह नहीं है। यहां पर यंग प्लेयर्स को वापस से मौका दिया जा रहा है। खलील अहमद हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, राहुल चहर हो गए, दीपक चहर हो गए, नवदीप सैनी हो गए, इनको मौका दिया जा रहा है। श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे में एक बार और इन्वेस्ट कर रही है टीम इंडिया। सो ये तो थी यार भाई पूरी स्क्वाड जो अभी हाल फिलहाल में अनाउंस हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार नहीं सिलेक्ट हुए हैं, उनको रेस्ट दिया गया है। ऐसा नहीं है भाई कि उनको हटाई दिया गया टीम से, उनको रेस्ट दिया गया है जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलेंगे आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।